हेलो दोस्तों, करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सा रिंग बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम फ्रंट व्यू में जाएंगे, उसके बाद एक सर्कल बनाएंगे 17 mm का। अब हम टॉप व्यू पे जाएंगे, इसे हम ऑफसेट करेंगे बोथ साइड 5 mm डिवाइडेड बाई 2। दोस्तों, हम पिक्चर को एक साइड ले लेते हैं और हम डिज़ाइन को एक साइड ले लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे हम। आर्क लेंगे हम, इसे हम मिरर कर देंगे, जॉइंट कर देंगे उसके बाद। अब इसे ऑफसेट कर देंगे हम 0.4 से। अब इसको एरे करेंगे दोस्तों हम 6 से। अब दोस्तों, हम एक सर्कल बना लेंगे बीच में, इसे हम ऑफसेट करेंगे दोस्तों 0.4 से। अब दोस्तों, हम एक आर्क कमांड लेंगे, इसके क्वाड को पकड़ेंगे और इस वाले क्वाड को पकड़ के राइट व्यू में जाके एक प्यारा सा हल्का सा डॉग देंगे इसे हम। स्विफ्ट टू रेल कमांड में जाएंगे, फर्स्ट रेल, सेकंड रेल एंड देन क्रॉस सेक्शन। और दोस्तों, इन कर्विंग को सिलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट कर लेंगे हम। सरफेस को हाइड करके हम इसे पैच कर देंगे, ट्रिम कर देंगे दोस्तों सेंटर में, इसे हम पैच कर देंगे, ट्रिम कर देंगे इसे भी। अब दोस्तों, इसे हम ट्रिम कर देंगे। इसे हम ऑफसेट करेंगे 0.5 से। इसे भी ऑफसेट करेंगे। अब इस आर्क को थोड़ा हम नीचे मूव, थोड़ा जॉइंट कर लेंगे, अंदर मूव कर लेंगे। अब दोस्तों, इसे हम एरे करेंगे 6 से। अब इसे हम ग्रुप कर लेंगे। अब हम दोस्तों, इस बाहर वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, इसे हम ऑफसेट कर देंगे 0.6 से। अब इसे हम लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद इसे हम ऑफसेट करेंगे 0.7। जैसे कि आप डिजाइन में देख सकते हो, यहाँ पर बॉल बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हम बॉल बना लेंगे। डायमंड पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम 0.7 टाइप करेंगे। तो इस बॉल को हम नीचे मूव एडजस्ट कर लेंगे। हम दोस्तों, फ्रंट व्यू में जाएंगे हम और इसे हम एरे कर देंगे। अब दोस्तों, हम पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप कर देंगे। अब इसे हम मिरर कर देंगे, दोस्तों हम रिकॉर्ड हिस्ट्री पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ऑलवेज रिकॉर्ड हिस्ट्री, इसको हम अनसेलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे हम और इसे हम एरे कर देंगे 10 से। अब दोस्तों, इन डिज़ाइन को हम डिलीट कर देंगे।
अब दोस्तों हम फ्रंट व्यू में जाके इसे हम रोटेट कर देंगे, एंटर सेट पॉइंट पकड़ेंगे और शिफ्ट दबाकर इसे मूव करेंगे। अब दोस्तों इसे हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, स्केल कमांड पे जाएंगे, स्केल 2D को सिलेक्ट कर देंगे हम। अब जीरो एंटर करके इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। दोस्तों नीचे हम बॉल बिठा देंगे ज्वाइंट करने के लिए 0.5 का। इसे मिरर करेंगे, इन दोनों को हम ग्रुप करके दोबारा मिरर कर देंगे इस साइड। और दोस्तों इन बॉल को और इस डिज़ाइन को हम ग्रुप करके फ्रंट व्यू में जाएंगे। अब इसे हम एरे कर देंगे 5 से। अब इसे हम कलर कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।